हेलो दोस्तों, आसाम की आशा ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। समय निकाल लिया मैंने रोहित के लिए, गुस्सा था तो मैं बोली चलो बेटा कपड़े खरीद के आते हैं, तो जा रही ले जाने। नहीं मैं तो कहता हूं आ जा रहे। हां बता दो गुस्सा ना के मैं भी अपने शॉपिंग कर दूंगा। ये भी अपना शॉप क्या क्या सब लोग है देखती हूँ। कुछ अपने छोटे भाई की शादी की शॉपिंग भी करूंगी, अगर पसंद आ रही है तो कुछ ना कुछ ले लूंगी। तो हम लोग चलते हैं, चलते क्या है, मैं फिर से तैयार होकर बैठी हूँ। ये अंकिता तैयार नहीं होती है जल्दी। हेलो हेलो, आयुष रेडी होगी, कहाँ जा रहा है? अरे अरे, तो मम्मी भी रेडी हो रही है। देखो मैं रेडी हो गई, चलने से नहीं हूँ आंसी, मैं भी शॉपिंग करूंगा। आयुष भी शॉपिंग करेगा, बहुत खुश है। इसको तो कहीं जाने से मेरा सर खा गया। ये अंकिता का रास्ता देख रहे हैं, कब आएगी अंकिता, क्योंकि वो स्कूटी से आ रही ना। यहाँ का तो शॉपिंग हो गया है, अब जा रहे हैं हम लोग तेजपुर मेन टाउन में, देखते हैं वहाँ पे लहंगा वगैरह देखती हूँ। मैं इसको बोल रही हूँ चंद मद्रास होटल, यहाँ का बहुत ही फेमस अच्छी वो रेस्टोरेंट है। और ये बोल रही है नहीं कहीं और जाऊंगी। रोहित कहाँ जाना है तुम्हें बता? मद्रास होटल में डोसा खाना। नीचे बैठे लाइक नहीं है तो हम यहाँ नहीं आ रहे, हम बैठ के हमें जो खाना था यहाँ पे था ही नहीं, वो तो हमें फिर उसी रेस्टोरेंट में जाना पड़ा। कुछ पता नहीं उस टाइम क्या देख रहा था, इसी को पता होगा। और अब हम दोबारा वहीं पे जा रहे हैं जहाँ से आए हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है अंकिता, ऊपर नीचे कर रहे लिफ्ट से, और कभी उस रेस्टोरेंट कर रहे हैं क्योंकि हमें कोई ढंग का मिल ही नहीं रहा। लग रहा है शाम हो जाएगी, कुछ भी शॉपिंग भी नहीं कर सकेंगे क्या शादी की है? रोहित इसको तो डोसा खाना है, मुझे बहुत पसंद है। मैंने कहा यहाँ पे हमेशा, पता नहीं क्यों बंद हो गया, सारा छोड़ के मैं यहाँ पे आई खाने की, और यहाँ पे बंद। ये जगह मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी, लेकिन लॉकडाउन में सबका हालत ही खराब कर दिया बेचारे। ये मेरा ना फेवरेट जगह है। ये केयरलेस इंसान ये पूरा जो खरीदा है वो छोड़ के आ गया था ऊपर ही, इसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकती मैं। ऐसा नहीं है यहाँ पे अच्छे रेस्टोरेंट्स नहीं है, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे हैं, पर वो थोड़ा दूर पर जा रहा था और मम्मी वहाँ जाना नहीं जा रही थी। इसके लिए पनीर होगा, पनीर 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 खाना तो बहुत ही टेस्टी है। तो आयुष का खा रहे हैं, देखो खाना टेस्टी है। इधर मैं खा रही हूँ, इधर आयुष और मम्मी।
तो ये पापा के लिए खाना ले लिया, रोहित ने जो हाथ में लेके रखा है, और अभी हम जा रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं। खाना बहुत अच्छा था, निकलते अभी टाइम नहीं और शादी की शॉपिंग करने के लिए घर जाते हैं। हम लोग विशाल मार्केट आ चुके हैं, वहाँ पर मैं ज्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई और नहीं दिखा सकी क्योंकि वो लोग मना कर रहे थे वीडियो करने के लिए। मैं बोली घर में आके अच्छे से दिखा दूंगी, इसीलिए मैं घर में आ गई, अच्छे से दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या शॉपिंग की। ये देखिए मेरे आगे क्या पड़ा है, अभी आयुष के खिलौने बाकी है वो भी दिखाऊंगी। आयुष ने क्या, वो तो आयुष तो बोला था ये भी ले लो वो भी ले लो, पर मैं बोली नहीं, जो काम की चीजें वही ले आई। तो सबसे पहले मैं ये वाटर बोतल लाई, दोनों बच्चों के लिए स्कूल खुल गया है ना इन लोग, तो मुझे ये दिखाई दिया, ये देखे ना चाय छानने के लिए तीन है, तीन एक ही में था, ये बहुत ही सस्ता बजट में आया था इसीलिए मैंने इसको ले लिया। मैं बस वही ले ली, और फिर ये ठंडी के लिए ठंडी तो गया, फिर मैंने ये जुराब ले लिए इनके लिए, और रोहित के लिए लिया, रोहित के लिए रोहित ये देखा ये टी शर्ट लिया, अच्छा इसने अपना पसंद लिया, मैं जीन्स ले लिया, मैंने अपने हस्बैंड भी लिया जीन्स लिया, मैंने उनको समय नहीं मिल पा रहा, बोला तुम ही लेके आ जाना। और टी शर्ट है, वो लोग बोले थे जो दो जीन्स लोग टी शर्ट खरीद, मैंने दो जीन्स लिया तो ये टी शर्ट खरीदी है, ये टी शर्ट फ्री है, और ये मैं अलग से टी शर्ट लाई इनके लिए पहनने के लिए, ये भी लाई, और शर्ट का है रोहित, और ये है रोहित का शर्ट, मैं बोली ना यही शादी में पहनना ये रोहित शादी में जाने का अपनी मामा की शादी में, ये लिया शर्ट, एक शर्ट ये लिया, एक शर्ट ये लिया, ये है रोहित के लिए टी शर्ट, इतनी सारे टी शर्ट शर्ट सब इसने ले लिया, बोला शादी में बस एक इसके लिए वही खरीदना, एक रह गया है इसके लिए, अभी का क्या रह गया इसके लिए कोट, बस इसके लिए कोट, कोट पहनेगा कि शेरवानी पहनेगा वो तो पता नहीं, वो तो सोचने की समय निकाल के जाऊं तेजपुर, फिर जाऊंगी तो दिखा दूंगी। तो शादी के लिए मैं इतना ही कुछ शॉपिंग कर पाई हूँ इसके लिए, क्योंकि सारा तो एक ही दिन में ये पहनेगा नहीं, एक ड्रेस कोई होली में पहन लेगा। अब रह गया है, हम लोग जाने वाले थे पता है लहंगा देखने, लेकिन हो खाने के लिए होटल ढूंढते ढूंढते इतनी लेट हो गई, इतनी लेट हो गए ना हम लोग कि चार बज गया, बोले नहीं नहीं अब हमें घर जाना है, घर आकर काम ही तो करना है, तो इसीलिए मैं नहीं जा पाई लहंगा दिखाने के लिए। तो रेस्टोरेंट जाने के चक्कर में ये लोग बोले थे नहीं इधर अच्छा खाना मिलता है, कोई बोला इधर अच्छा खाना मिलता है, लास्ट में वही मिला जो, लेकिन अच्छा ही था खाना मिला, हम लोग खा के आ गए। घर का खाना तो खाना खाना ही होता है ना, इसीलिए टिफिन में भी एक रोटी ले गई थी आयुष के लिए, नहीं खाया तो मैंने ही खा लिया रोटी तो फिर अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी आप लोगों को मैं और अंकिता ने क्या चूज किया अपने लिए, लहंगा ये क्या करती हूँ क्या करते हैं तेजपुर जा करके। तो पहले इसलिए रोहित का ले लिया, उसके पापा के लिए ले लिया, और भी लेना है इन लोग के लिए। आयुष आज खिलौने दिखाना है ना, खिलौने दिखाऊंगा ना आयुष को भी, मैं स्कूल से ले आई हूँ, ये अपना कहाँ खिलौने छिपाया है मुझे नहीं पता, ये ही दिखाएगा खिलौने, मैं कल दिखा रही थी स्कूल कर रही थी आप लोगों को, फिर खिलौने गायब कर दिए, कहाँ गायब किया, ये बोल रहा था आइसक्रीम खिलाओगी तभी मैं अपना खिलौने दिखाऊंगा, तो मैंने बोला चलो आइसक्रीम खिलाओ स्कूल से आया है अब दिखाओगे ना बाप बोलेंगे खिलौने। ये है इसने अपने आप ही लिया, इसका वाटर बोतल दो तीन ऐसे ही घर में पड़े हैं फिर भी इसने अपने से उठा लिया, चलो बच्चा है ले लिया। अब बता दो सबको कहाँ चुका है, बता चलो आइसक्रीम खाए हैं आप, ठीक है खा लो बेटा, तो अब जा रही हूँ उसके कपड़े पर उतारूंगी शैतान के, इसको फिर खाना वाना खिलाऊंगी सुनाऊंगी, अच्छा ये शैतान बच्चा नहीं अच्छा बच्चा, कैमरा घुमा दो इसके तरफ,
क्या है, कैसा लगता है? आज के लिए बस इतना ही। तो कुछ तो शादी की शॉपिंग करी ली हमने रोहित के लिए, और कुछ और हम करेंगे अपने अंकिता के लिए और आयुष के लिए। तो यही वीडियो के यही एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।